दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजियाबाद में रैली निकाली जा रही है, जुलूस निकाला जा रहा है। जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है। कहां पर ये रोड शो का क्या उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी एक तरफ चुनाव जीत रही है। रोड शो का क्या उद्देश्य? रोड शो आज समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ कर रही है। समाजवादी पार्टी के समय नहीं तो परिवर्तन चाह रही है। और एक शो के बातचीत करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस रोड शो का क्या उद्देश्य? रोड शो में किस तरीके समाजवादी पार्टी इस बार नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है? बड़ी मजबूती से लड़ रही है, विकास पे, बीजेपी के भ्रष्टाचार पे। इस बार आर पार्टी साइकिल का बटन दबा के मेयर बनाएगा समाजवादी पार्टी को। हाँ, जोड़ती हुई नजर आ रही, करो इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रही है। मौके की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है, रोड शो निकाला जा रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो यहाँ के जो प्रत्याशी है, उनके साथ तौर से कहना है किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बार मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा किस तरीके से कौन से मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। विकास को अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, इनके नाम पे धोखा हो रहा है, जवान बच्चों को एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उनको कहीं कोई सुविधाएं तो दी नहीं गई हैं, बल्कि उनके रोजगार छीन लिए गए हैं, जो सरकारी महकमे हैं सब प्राइवेट को बेच दिए गए हैं, सारा हिंदुस्तान ये बेच के जाएंगे। वही हमारी लड़ाई है कि हम वापस अपनी सारी चीजें लाएंगे और फिर से हमारा मेयर तैयार होगा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। क्या लग रहा है कि ये मुद्दे धरातल के हैं जो आप बता रही हैं? ये धरातल के मुद्दे हैं सारे और हम यहाँ से हर तरीके से ये अत्याचार हटाएंगे। बीजेपी ने जिस तरीके से गेम खेला है, सारे सबके परिवार आज मर चुके हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो चुके हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिरकार कर क्या रही है बीजेपी? बीजेपी सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ बना रही है और पब्लिक की समझ में आ गया है कि अब इसको पहले हटा के दम लेंगे। यही हमारे ये धरातल पर जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किन मुद्दों पर बात करने के लिए, विकास का मुद्दा कौन सा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है आप लोग? विकास का मुद्दा ये है कि इन्होंने यहाँ पे कहा था कि हम सफाई का वो चलाते हैं अभियान। सफाई नहीं, गंदगी भर दी पूरे शहर में, गड्ढे भरी सड़कें दे रखी है, पानी भर जाता है एक दिन की बारिश में, एक घंटे की बारिश में पूरे शहर में पानी त्रात्रा मच जाती है, बच्चे शिविर में डूब डूब के मर रहे हैं, बड़े बड़े आदमी मोटरसाइकिल सहित गिर गए शिविर में, उन्हें निकालने के लिए उनकी लाशें नहीं मिली। इनसे पूछो ये किस मुद्दे को लेके यहाँ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था 5 तारीख को, उन्होंने कहा गाजियाबाद को उन्होंने स्वच्छ बना दिया, सुंदर बना दिया है। वो सब हमारी कोई स्वच्छ नहीं बनाया। आप कहीं चले जाओ, राजनगर, कभी नगर, आपको गंदगी का ढेर लगा मिलेगा, बदबू के अलावा कोई सामान नहीं। और उनसे ये पूछिए जो हमने विकास करा था, उनको माला पहना के अपनी वावा ना लूटे, जनता समझ चुकी है इन भेड़ियों को। आप तो देख सकते किस तरीके से बातचीत करते। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें हैं, ये समाजवादी पार्टी के रोड शो की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे वही हैं कि यहाँ पे आज तक जो समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद से काम हुए थे, सिर्फ वही काम हुए हुए हैं, उसके अलावा अभी तक बीजेपी ने कोई नया कार्य नहीं किया है। कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? और आज आखिरी दिन है, कहाँ तक पहुंची है समाजवादी पार्टी? आप गाजियाबाद में देखिए, हर तरफ जाके देखिए, आप गाजियाबाद में हर तरफ गंद है, कूड़ा घर है, गाय है, बैल है रोड पे, लोगों के उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो इसीलिए हमारी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती पूनम यादव जी को भारी मतों से जिता करके मेयर बनाइए गाजियाबाद का, गाजियाबाद का इतिहास बदलिए। इस बार 5 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, उन्होंने कहा है गाजियाबाद को स्वच्छ और सुंदर बना दिया है। आप कह रहे विकास नहीं हुआ, वो देखिए कैमरा घुमाइए सामने, स्वच्छता दिखेगी आपको, दिखवाइए कैमरा। किस तरीके तस्वीरें हैं जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर रोड शो के जरिए बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर जनता को लूटा गया। जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये,
समाजवादी पार्टी के रोड शो की तस्वीरें हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रोड शो का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये कह रहा था जैसे कि हमारी गाजियाबाद में अभी जो भी मुद्दे चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, वो मुद्दे यही है कि हमारी जो गाजियाबाद है उसको खूबसूरत बनाया जाए, जो कि सारे काम अखिलेश जी के टाइम पे हुए थे। सड़कें बनी थी, गाजियाबाद का सौंदर्यकरण हुआ था, सब अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। इस सरकार ने कुछ नहीं किया है अभी तक। जब से ये सरकार आई है इसने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, गाय बैल किया है, आपस में लड़ाया है, लोगों को नफरत फैलाई है। तो हमारी जनता से बस यही अपील है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को, उनके चेहरे को देखते हुए हमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं और हमारे जो ज्यादा पार्षद हैं वार्ड में, उन सबको जिता के सदन में नगर निगम के उसमें भेजा जाए, ताकि हम गाजियाबाद के लिए कुछ काम कर सकें। जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाती थी? देखिए, इतने 25 साल यहाँ पे बीजेपी का राज रहा, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि जनता को मिलनी चाहिए, जैसे पेयजल की, सीवर लाइन की, इन सब से जनता महरूम है। कोई यहाँ पे नगर निगम का महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई यहाँ पे बीमारियों की इतनी फैलावट है जहाँ जिससे मच्छर बहुत फैल रहे हैं, कोई बीमारी फॉगिंग की कोई भी इलाज नहीं है यहाँ पे। अस्पताल कोई नगर निगम का ऐसा नहीं है जिसमें लोग जाके गरीब जनता अपना इलाज करवा सके। 2 दिन पानी भरता है तो देखिए जल भराव चारों तरफ हो जाता है। इस तरह के सारे जो मुद्दे हैं वो सब लेकर हम जनता के बीच में गए, उनको बताया और उन्होंने समझा इस चीज़ को। इस बार उन्होंने कहा है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और इस बार जो है मूल वोटों से हम जो है जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब लोगों के बीच में जा रही थी, जनता के बीच में जब प्रत्याशी आप जा रहे थे, आपके कार्यकर्ता नेता जा रहे थे, तो जनता क्या मुद्दे आपको बताई, जनता के क्या मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे बताइए। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पेयजल, उन्होंने सीवर की समस्या, और जो स्वच्छता है और खुले जो पशु हैं, ये उनकी मूलभूत वो है जरूरत है जो उनको पूरी करनी है पहले।